हेलो दोस्तों, WR मेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, KMC मींस कंगारू मदर केयर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, KMC मींस कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर दोस्तों लो बर्थ वेट वाले बेबी को दी जाती है। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। कंगारू मदर केयर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय 1978 बाय डॉक्टर एडगार रे एंड डॉक्टर हेक्टर मर्चिनेज। दोनों डॉक्टरों ने मिलकर दोस्तों कंगारू मदर केयर को प्रपोज्ड किया था 1978 के अंदर, जो कि एक कोलंबिया के डॉक्टर रहे हैं। इन दोनों डॉक्टरों के दोस्तों आपको नाम याद रखना है, इन्होंने 1978 के अंदर कंगारू मदर केयर को फर्स्ट प्रपोज्ड किया था। इन्होंने बताया था दोस्तों कंगारू मदर केयर लो बर्थ वेट वाले बेबी को दी जाती है जिनके अंदर हीमोडाइनेमिकल स्टेबल नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कंगारू मदर केयर इज़ द केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट सिक्योर स्किन टू द मदर। मींस कंगारू मदर केयर के द्वारा दोस्तों एक मदर और बेबी का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन किया जाता है। कंगारू मदर केयर इज़ ए पावरफुल एंड ईजी टू यूज़ मेथड टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। कंगारू मदर केयर दोस्तों आसानी से यूज करने वाला केयर का मेथड होता है, जो कि लो बर्थ वेट बेबी को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि बेबी का वेट अगर 2500 ग्राम से कम है तो उसे हम लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। इंडिया के अंदर नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 टू 3.5 केजी माना जाता है। दोस्तों, जिस बेबी ने 37 वीक से पहले जन्म लिया हो उसको हम प्री टर्म इन्फेंट कहते हैं, उसको भी हम कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं, और अपन टर्म इन्फेंट को भी कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि मदर अपने बेबी को किस तरीके से कंगारू मदर पोजीशन दे रखी है। कंगारू मदर केयर दोस्तों कोई भी फैमिली मेंबर बेबी को प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन दोस्तों फैमिली मेंबर को जो कंगारू मदर केयर दे रहा है बेबी को, उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 आवर तक अपन बेबी को कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं। व्हाई इट प्रोवाइडेड मींस किस बेबी को अपन कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं। जिस बेबी का बर्थ वेट दोस्तों 2500 ग्राम से कम है उसको अपन कंगारू मदर केयर देते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब आता है कंपोनेंट ऑफ KMC। फर्स्ट कंपोनेंट है कंगारू पोजीशन, सेकंड कंगारू न्यूट्रिशन, थर्ड कंगारू डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। कंगारू पोजीशन में मदर और बेबी के लिए क्या पोजीशन यूज की जाएगी। कंगारू न्यूट्रिशन में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करेंगे बेबी को। कंगारू डिस्चार्ज एंड फॉलोअप का मतलब ये होता है मींस बेबी हीमोडाइनेमिकली स्टेबल हो गया है, बेबी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो गया है तो उसको डिस्चार्ज करेंगे। कंपोनेंट या एलिमेंट ऑफ KMC के अंदर कंगारू पोजीशन, कंगारू न्यूट्रिशन, कंगारू डिस्चार्ज, कंगारू सपोर्ट अपन देखेंगे। कंगारू पोजीशन में मदर को सेमी रेकलाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। KMC में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको एग्ज़ाम के अंदर कंगारू पोजीशन पूछा जाता है, या तो मदर के पोजीशन पूछ लेते हैं या फिर बेबी के पोजीशन पूछ लेते हैं। मदर को सेमी रेकलाइन पोजीशन या फिर लेड बैक पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ये पोजीशन मदर को इसलिए दी जाएगी दोस्तों ताकि जो नियोनेट है उसके अंदर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके।
गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ क्या होती है दोस्तों? इसके अंदर जो गैस्ट्रिक स्टोमक के कंटेंट होते हैं वो इसोफेगस के अंदर मूव करने लगते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बेबी की पोजीशन के बारे में। बेबी को प्रोन पोजीशन के अंदर मदर के चेस्ट के ऊपर प्लेस करेंगे, यानी कि बेबी का जो एब्डोमन है वो मदर के एपिगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर प्लेस करेंगे। एब्डोमन को 9 भागों में डिवाइड किया गया है, उनमें से ही एक रीज़न एपिगैस्ट्रिक रीज़न होता है। और साथ ही बेबी की नेक को एक साइड की तरफ अपन टर्न करेंगे, या तो राइट टू लेफ्ट टर्न कर देंगे या फिर लेफ्ट टू राइट टर्न करेंगे, और एक्सटेंड करेंगे नेक को ऊपर की तरफ ताकि बेबी इजीली रेस्पिरेशन कर सके, ताकि बेबी को रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी वगैरह ना हो, इजीली बेबी रेस्पिरेशन कर पाए। बेबी के नी को कैसे रखेंगे? बेबी के नी को फ्लेक्स्ड रखेंगे और बटक्स को एबडक्टेड रखेंगे, लाइक एज फ्रॉग पोजीशन। मेंढक की तरह बेबी की पोजीशन अपन फ्रॉग पोजीशन रखेंगे। याद ऐसे रखना है, मदर की पोजीशन सेमी रेक्लाइन पोजीशन रखेंगे। बेबी को मदर के चेस्ट के ऊपर प्रोन पोजीशन में रखेंगे, यानी कि बेबी का एब्डोमन मदर के एपिगेस्टिक रीजन में रखेंगे, और साथ ही में बेबी के नेक को वन साइड में टर्न करेंगे, यानी और नेक को एक्सटेंड करेंगे अपवर्ड ऊपर की तरफ ताकि बेबी इजीली रेस्पिरेशन कर सके। बेबी के नी को फ्लेक्स्ड और बटक्स को एबडक्ट रखेंगे, लाइक एज फ्रॉग पोजीशन। सेकंड अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कंगारू न्यूट्रिशन, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग कंगारू मदर केयर। यहाँ पर दोस्तों टर्म एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो दोस्तों बेबी को कम्प्लीटली ओनली ब्रेस्ट फीडिंग ही प्रोवाइड की जाएगी अप टू 6 मंथ तक। और 6 मंथ बाद में दोस्तों जो अपन आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करते हैं बेबी को, उसको विनिंग कहा जाता है। यानी कंगारू न्यूट्रिशन में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट थर्ड वन आता है दोस्तों कंगारू डिस्चार्ज, यानी कि मदर ने अगर अपने बेबी को कंटिन्यूस कंगारू मदर केयर प्रोवाइड किए तो उसे जल्दी डिस्चार्ज किया जा सकता है, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर कंगारू मदर केयर के कंपोनेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्राइटेरिया फॉर कंगारू मदर केयर। क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों मदर मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए, यानी कि मदर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, बार बार फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, और मदर को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर मदर के अंदर कोई ऐसी प्रकार की डिजीज़ है जो बेबी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है तो वह बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है और बेबी के अंदर भी डिजीज़ कंडीशन क्रिएट कर सकती है, इसलिए दोस्तों मदर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना ज़रूरी है। अब बेबी की बात करें तो दोस्तों बेबी भी हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, बेबी का बॉडी टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। अगर बेबी का बॉडी टेम्परेचर दोस्तों 34 डिग्री सेल्सियस से कम आ रहा है तो बेबी को रेडिएंट वार्मर पर रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इस कंडीशन में बेबी को हाइपोथर्मिया डेवलप हो सकता है। हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों रेडिएंट वार्मर पर रखा जाएगा बेबी को, बेबी को केएमसी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ केएमसी की। मिनिमम अपन 1 घंटे तक दोस्तों केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं बेबी को, और मैक्सिमम अप टू 24 आवर्स तक अपन केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों केएमसी को स्टॉप कब करना है। जब बेबी का वेट 2.5 kg हो जाए और बेबी का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब अपन बेबी के अंदर केएमसी स्टॉप कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होंगे? मदर के लिए अलग बेनिफिट होंगे और बेबी के लिए अलग बेनिफिट होंगे। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं बेबी के बेनिफिट के बारे में। फर्स्ट वन इज इम्प्रूव कार्डियक एंड रेस्पायरेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि
बेबी को अपन केएमसी प्रोवाइड करेंगे तो बेबी का वेट बढ़ने के साथ साथ जो बेबी के बॉडी सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होने लगेंगे, यानी कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इम्प्रूव होने लगेंगे। केएमसी कैन सक्सेसफुली ट्रीट माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि केएमसी के द्वारा अपन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन और एपनिया की कंडीशन को भी ट्रीट कर सकते हैं। केएमसी इम्प्रूव जीआईटी सिस्टम, यानी कि केएमसी बेबी के जीआईटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है, यानी कि बार बार बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो बेबी का वेट भी गेन होगा और उसको एनर्जी भी मिलती रहेगी। केएमसी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि बेबी को केएमसी इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी एक काम करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट ऑफ केएमसी टू द मदर, यानी कि मदर को केएमसी से क्या बेनिफिट मिलता है। केएमसी दोस्तों मदर के कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का काम करती है। केएमसी दोस्तों मदर और बेबी के बीच बाउंडिंग बनाने का काम करते हैं, जिसे हम रूमिंग इन बोलते हैं। केएमसी दोस्तों मदर के अंदर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट को प्रिवेंट करने का काम करती है। एक बार शॉर्ट रिव्यू करके दोस्तों अपन एग्ज़ाम के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों 1978 में डॉक्टर एडगार रे ने केएमसी स्टार्ट किया था। दूसरा दोस्तों केएमसी इन्फेंट और मदर के बीच स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है। केएमसी अपन लो ब्रथ वेट बेबी, प्री टर्म बेबी और टर्म बेबी को प्रोवाइड करते हैं। बेबी को केएमसी दोस्तों कोई भी फैमिली मेंबर दे सकता है, लेकिन वह फैमिली मेंबर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए। उस फैमिली मेंबर को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस बेबी का बॉडी वेट 2500 ग्राम से कम है उसको अपन केएमसी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ केएमसी, फर्स्ट कंगारो पोजिशन, सेकेंड कंगारो न्यूट्रिशन, थर्ड कंगारो डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। कंगारो पोजिशन में मदर को सेमी रेक्लाइन पोजिशन, लेड बैक पोजिशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि बेबी को गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज से प्रिवेंट प्रोवाइड किया जा सके। बेबी को मदर के चेस्ट के ऊपर प्रोन पोजिशन में रखा जाता है। बेबी के एब्डोमेन को मदर के एपिगेस्टिक रीजन के ऊपर रखा जाता है। बेबी की नेक को वन साइड में अपन टर्न करते हैं और बेबी की नेक को अपवर्ड एक्सटेंड किया जाता है, ताकि बेबी इजीली रेस्पिरेशन कर सके। बेबी की पोजीशन को लाइकेज फ्रॉग पोजीशन दी जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम दोस्तों आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवा सके। थैंक यू दोस्तों।